Fatehind, Gulgule. Sir, ज़्यादा काईया पंती में मत रहे. मंथरा हो रहा है बिल्कुल ही. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? पुष्पा, I hate tears, रे. मैडम वो क्या है कि रास्ते में एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ गया. अरे अपना गुलगुले, एक लेटर जरा लिख, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मैडम, लेटर. टू पुलिस डिपार्टमेंट रावणपुर. ओ अपना ही. मन्ने घड़े दुख और खेद के संग ये सूचित करना पड़ रहा है, और थोड़ी खुशी के संग भी, कि मैं पुलिस फोर्स में काम करने योग्य ना हूँ. ये क्या कह रही है मैडम आप इस तरह हमें छोड़ के नहीं जा सकती मैडम, आपको इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहना ही होगा. इसीलिए मैं अपना इस्तीफा आज जमा कर रहा हूँ. कर रहा हूँ? गोपी, अरे गोपी तू हमको छोड़ के चला जाएगा ऐसे? Well, हम मन्ने कम से कम 10 साल का रेस्ट चाहिए. अरे 10 साल तो बचे ही नहीं है तेरे पास गोपी. Well, क्या रेस्ट? क्योंकि हमारी सारी जो है शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं. क्या गोपी? हमारा बदन बोल चुका है, जवाब दे चुका है, सारे अस्थि पंजर ढीले हो चुके हैं. इतना? और मैं किसी को भी शकल तक दिखाने के लायक ना रहा. आप सभी के संग काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू. हमें भी अच्छा लगा गोपी. आपका आज्ञाकारी, आपका सुशील, आपका जो है आदरणीय मुलायम सिंह गुलगुले. मैडम मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? अरे मैं तो, अरे मैडम मुझे नौकरी करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइन कर. मैडम लेट्स वर्क. एक्सक्यूज मी मैडम. क्यों करेंगे तेरे एक्सक्यूज? तू शाहरुख हो रहा है या रणबीर कपूर? कपूर नहीं, चूर चूर. गुस्से से चूर चूर हूँ लौकी काट के. लौकी काट के? फिर लौकी को काट के किया क्या यार? मतलब लौकी की अजवाइन वाली सब्जी बनाए, या फिर लौकी के कोफ्ते, या लौकी की खीर? आई लव लौकी यार, देख लो. तू घुस जा लौकी में, कट के जो है कढ़ाई में बैठ जा तू. साले मैं कह रही हूँ तू सुधर जा, वरना नौकरी से निकाल दूंगी. फिर लौकी के खेत सींचता रहियो. सॉरी, लौकी मेंटेन रखो यहाँ. ओकी. हाँ पापी जी, क्या हो गया जी? की प्रॉब्लम है? मैनू अपना देवर समझो है, दसो की हो गया है जी? है आखरी हंसी. कैरी ऑन. अबे छाती तक जो है अपनी पैंट बांधे खड़ा है यहाँ, इंट्रोडक्शन दे. मैडम मैं हूँ टैबलेट. है टैबलेट? मतलब पेट की या सर दर्द की? अरे मेरा नाम है टेबलेट लौकी काट के. अच्छा, नाम थारा टेबलेट है तो बाप का नाम क्या है? कैप्सूल. और बच्चों के नाम क्या है? सिरप्स. हाय, मैं शर्म से लाल हुई. मैडम अभी बच्चे बच्चे नहीं हुए हैं. अरे रे 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 रे, क्यों? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? हाय, मैं शर्म से लाल हुई. मैम एक्चुअली क्या है, नेक्स्ट मंथ हम दोनों हनीमून मनाने जा रहे हैं पिंक सिटी जयपुर में. मैम अरे साड़ी पीली पहन के खड़ी है, लाल जो है शर्म से हो रही है. और पिंक सिटी जयपुर जा रही है. अबे तू औरत है, तू रंगों की दुकान है. दुकान नहीं मैडम, मकान. जिस मकान में मैं रहता हूँ ना, उसके पास 2 लड़के रहते हैं लौकी काट के. और लड़कियां? कैरी ऑन. मैं ना चिटपुटियागंज में रहता हूँ लौकी काट के.
और योगो ने हेमा मालिनी। नहीं मैडम, आपने मुझे हेमा कहा। हाय, मैं शर्म से लाल हुई है। नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ गोली टंडन, इनकी वाइफ। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। क्या आपका नाम है गोली और इनका नाम है टैबलेट? वैसे अगर आपका नाम गोली है तो इनका नाम बंदूक भी हो सकता था क्यों? नहीं नहीं गुलगुले, बंदूक नहीं यार, गान रखो, गान गान। बस मैडम, ठीक इसी तरह वो दोनों लड़के हैं ना, लोगों का मजाक उड़ाते हैं लौकी काट के। मैडम गोली तुम चलो ना। हाँ मैडम, एक दिन ना मैं हरे रंग की साड़ी और लाल रंग का ब्लाउज पहन के जा रही थी गली में अकेली, तो दोनों ना मैडम पीछे से चिल्लाने लगे, हंसने लगे, जोर जोर से कहने लगे, वो देखो ट्रैफिक सिग्नल जा रहा है। मैडम हाय, मैं शर्म से लाल हुई। नहीं ये तो मजाक की हो गई है हद। मैडम ये मामला संगीन है बेहद। अबे कौन है यार ये लौंडे, बुलाओ जरा चौकी माम भी देखें कौन हो रहे हैं मजाक खोर। अरे संभल, कुछ नहीं हुआ, सांस अटा। दादाजी आप रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर रहे हैं? देखो बॉयस, आई डोंट लाइक मजाक, मेरा खून खौल रहा है। ओहो, कोल्ड ड्रिंक का खून खौल रहा है। मम्मी जी इनको समझा दीजिए, मैं मजाक पसंद नहीं करता हूँ, वरना इनका मैं खून पी जाऊंगा। ये मम्मी जी, ये इनकी मम्मी जी हैं। ये तो वही हो गया ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। और क्या। क्यों याद आई मम्मी? मम्मी क्या, अब तो इनको नानी याद आ गई होगी। नानी क्या, नाना याद आ गए होंगे, क्योंकि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का चना भुन गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल क्वीन, मेरा मतलब है पीटू प्रिंसेस, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे तुम? नाम बोलो अपने। जी मेरा नाम है लोट लकोटिया, दांत दिखाकर। और मैं हूँ पोर्ट पांडे, चलो भाग चलें। मम्मी जी मैं इसका खून पी जाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको भगाने की, ऑफर देने की? Yes! तुमने सुना पोर्ट? हाँ लोट। बुढ़ऊ चाचा खून पी जाएंगे, वैसे भी इन्हें खून की बहुत जरूरत है। क्या लगा रखा है यो? अबे मोहल्ले में आने जाने वालों के संग मजाक करते हो, तुम्हारे बाप का माल है वो। तो मैडम इसमें गलत क्या करते हैं, हमारी आदत है हंसी मजाक करने की, और हंसी मजाक करके हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो हमने कौन सा क्राइम कर दिया? चलो भाग चलें। मजाक क्राइम तब तक ना है जब तक हद में हो, लिमिट में हो। अरे सामने वाले का मूड हाल और तबीयत देखे बिना करा हुआ मजाक कई बार घना भारी पड़ सके, याद रखो दोनों। देखिए मैडम, हम मजाक के बिना जिंदगी जी नहीं सकते, हम तो मजाक करेंगे दांत दिखा के। और मैडम इस बात के लिए आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते कि हमने मजाक किया दांत दिखा के।
और हमने कौन सा किसी को गाली दी, किसी को मारा, किसी को पीटा, कहीं पे चोरी की, कहीं डाका डाला, कुछ भी गलत काम किया हो, चलो भाग चले। ऐसा है, वार्निंग देना हमारा काम है एज अ गुड सिटीजन। इसलिए मैं एक बार दोबारा और आखिरी बार कह दे रही हूं कि मजाक कई बार भारी पड़ सके। ये कितना भारी पड़ सकता है, 100 kg, 200, 250 या 300? क्या बोल दिया यार? What nonsense! चल चल यहाँ से चल 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 अच्छा नहीं लगता ना? हाय, मैं शर्म से लाल हुई। मैडम देखा आपने, अब बताइए आखिर ये कब तक ऐसे हम लोगों का मजाक उड़ाते रहेंगे? क्या इन लोगों का कभी कुछ नहीं होगा? मैडम हाय, मैं शर्म से लाल हुई। इनका जरूर कुछ होगा और इंसाफ भी होगा। मैं कल आती हूँ तुम्हारे मोहल्ले में। ओके मैडम, मोहल्ला हिम्मत नगर में। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। लेकिन तुम तो काली लग रही हो। यार बोर हो रहे, खुद ही आते जा रहे हैं, कोई आवाज़ आ ही नहीं है। पंछी नहीं कि क्या टाइम क्या हुआ भैया? गाड़ी नहीं है दीदी। हाँ दीदी, हाँ तो भैया बोला ना इसलिए दीदी। तो बिला चीजा जी आ रहे। मजाकिया हो यार, माइंड ब्लोइंग हो तुम लोग यार, मजा आ गया यार। लेकिन आप यहाँ दांत दिखा के? अरे यार हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, चौकी में रहती हूँ यार, पुलिस वाली हूँ, इसलिए जीवन बड़ा नीरस है यार हमारा। मतलब इट्स अ वेरी ड्राई लाइफ आई लीड। अंदर तो जो है कोई मौज मस्ती करना सकती, लेकिन इफ तुम लोग मिल गए हो ना, अरे इव आएगा मजा। इफ सब लोग मिलके हम तीनों जो है खूब मस्ती करेंगे, लोगों की बाट लगाएंगे। अब आएगा मजा। चलो भाग चलें। भाग ना, जॉगिंग। ऐसा है, सीतापुर रोड है ना, वहां मैं रोज सवेरे जॉगिंग पे जाती हूँ, और वहां कसम से बाय गॉड एक से एक कार्टून करेक्टर आवे हैं। तो कल वहीं आ जाओ, मिलके जो है कुछ मस्ती करेंगे, लोगों की बैंड बजाएंगे, खूब मजा आएगा, क्या कहते हो? क्यों नहीं, जरूर आएंगे। वैसे भी अपने ही मोहल्ले में मजाक उड़ा उड़ा के हम बोर हो गए दांत दिखा के। तो बस फिर कल सीतापुर रोड। यस यस। किले किले किले। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा अच्छा। हां थैंक यू। अरे सीतापुर, अरे वहां एक से गाते, मैंने देखा, मैंने देखा। लेकिन वहां मैडम भी होगी, बोला देखिए मैडम काफी देर हो गई, वो दोनों तो आए नहीं अब तक। अरे यार वो दोनों तो आएंगे, फिलहाल यो कन्फर्म है ना कमिश्नर साहब, यही जॉगिंग करते हैं रोज सवेरे। हाँ जी जी मम्मी जी, वेल यू नो। अबे चल चल चल, सुबह सुबह की जॉगिंग। अरे मैडम वो आ रहे हैं, चल चल गोभी चल। आप यहाँ हम वहां ढूंढ रहे थे, चलो हम आ गए दांत दिखा के। चलो अब जॉगिंग भी करेंगे और यहाँ आने वाले सबका मजाक भी उड़ाएंगे, चलो भाग चले। ओए तेरी, अरे यो आदमी दिख रहा है। चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी इच्छा। यो हमारी कॉलोनी का सब्जी वाला है और यो घना फनी आइटम आदमी है, यो इतना चिढ़ जावे ना इसके संग मजाक करो तो इसको बनाओ पहला टारगेट। गोपी क्या हुआ? ठीक है? I am okay. चोक हो गया था। अच्छा। अरे बहुत मजा आएगा दांत दिखा के। हाँ, अरे और सुनो सुनो, यो ना थोड़ा सा क्रैक है, कभी खुद को जो है पायलट समझे, यो कभी इंजीनियर बन जावे, कभी डॉक्टर कह रहे, कभी कुछ।
अरे ठीक है, कला चौक हो गया तो एक काम करो, इसके संग मजाक करो, मैं छुप जाती हूँ वरना मन ने देख के तो भाप जाएगा। ओके हाँ ठीक है, हम मजा आएगा। रुक जा, तेरा काम नहीं चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। एक मिनट अंकल, देखिए इस अंकल की शक्ल जो एकदम एकदम टींडे जैसी है ना, टींडे जैसी और आंखें कुंदरू जैसी। और सर देख सर, सर एकदम बंद गोभी जैसा है। जैक लगेगी जैक। तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जानते हो तुम लोग? कौन हो? मैं इस शहर का कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। ये दोनों तो गए। ओ, 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 और मैं इस शहर का DIG और ये IG। अरे अरे चले चले, अरे क्या हुआ? मेरी बात सुनिए अंकल। अरे लेकिन आप लोगों ने हमें यहाँ पकड़ा क्यों है दांत दिखा के? क्योंकि तुम लोगों के खिलाफ FIR लिखवाई गई है। तुमने पार्क में एक बुजुर्ग आदमी को छेड़ा, उनका मजाक उड़ाया। आज सुबह? आज सुबह। अरे वो बंद गोभी। हाँ तो किया, हमने मजाक किया था, लेकिन उसमें हमारे साथ आपकी मैडम भी शामिल थी। कौन मैडम? किसकी मैडम है? What are you talking about? अरे अरे लेकिन आपने तो कहा था ना कि आपके सब्जी वाले का मजाक उड़ाए, बहुत मजा आएगा दांत दिखा के। ओ काके, जिस सब्जी वाले का तुम लोगों ने मजाक उड़ाया ना, उसने अरेस्ट करवाया, बस वो आते ही होंगे अभी। अरे पॉट, ये तो वाकई में कमिश्नर है दांत दिखा के। चलो भाग चले। सर सर, आज इन दोनों ने जितना मजाक मेरा उड़ाया है उतना तो मेरी बीवी ने भी कभी नहीं उड़ाया। अब आप लोग इनका मजाक उड़ाइए, उड़ाइए इनका मजाक उड़ाइए। हाँ एक मिनट, अरे सुन सुन गुलगुले यार, इसकी जो आंखें हैं, सुन बिल्ली मौसी है क्या तुम्हारी? बिल्ली मौसी? हाँ, अरे वो तो कुछ नहीं, अगर कभी हम कंचे खेल रहे हो, कंचे खत्म हो जाए तो इसकी आंखें निकाल के भी खेल सकते हैं। और अरे अंकल जी, आप ऐसे कैसे चल के आ गए? अपनी छड़ी नहीं लाए साथ में? अरे अंकल जी के पास अपनी कंपनी नहीं है, दोस्त तो बच्चे के साथ घूम रहे हैं आजकल, क्रेच से बच्चे उठाकर घूम रहे हैं। कार्टून है दोनों लोग, कार्टून। अंदर कर दे दोनों को, जमानत मिलने पर भी मत छोड़ना इनको। ओके डालो सालों को अंदर। मैडम मैडम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें समझ में आ गया कि ये सब कुछ आपने हमें सबक सिखाने के लिए किया है। हाँ मैडम, और हम लोग सबक सीख चुके हैं मैडम, हमें समझ में आ गया कि कभी कभी मजाक बहुत भारी पड़ जाता है दांत दिखा के। अब तुम दोनों कभी किसी को छेड़ोगे? हाँ? किसी का मजाक उड़ाओगे? नहीं नहीं। आओ भाई आन दो अपना मेडिकल स्टोर, गोली और कैप्सूल और जो है टैबलेट। मांगो माफी इनसे, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम आप भी इन्हें छोड़ दीजिए, अब से ये लोग कभी भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ हमें माफ कर दीजिए। हाय मैं शर्म से लाल हुई। मैडम जी माफ कर दीजिए ना, आखिर हैं तो ये हमारे मोहल्ला हिम्मतनगर वाले हैं। देख लिया किस तरह मजाक कई बार भारी पड़ सके। हाँ। इस बार छोड़ रही हूँ, आगे से याद रहे।
चलो निकलो आप सब लोग जी. थैंक यू मैडम. चल चल चले. भाभी आज एकदम कड़ी चावल लग रही है. और भाई साहब पालक पनीर. मैडम For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.